जबलपुर के नेशनल हाईवे क्रमांक 30 पर दो ट्रक और एक हाईवा की भीषण टक्कर हो गई। भीषण हादसे में किसी की जनहानि तो नहीं हो पाई, लेकिन एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना के तत्काल बाद हाईवे पर जाम लग गया, जिससे दोनों तरफ का आवागमन अवरुद्ध हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही तिलवारा और घड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने घायलों को मेडिकल अस्पताल भिजवाते हुए वाहनों को सड़क से हटाने की कार्रवाई शुरू की। घटना गढ़ा स्टेशन के पास हुई थी, जहां रात होने के कारण ट्रैफिक कम था। जानकारी के मुताबिक जबलपुर का एक ट्रक सड़क किनारे खड़ा था, जिसके ड्राइवर और क्लीनर कहीं गए हुए थे। तभी मुंबई से आ रहे एक ट्रक ने अचानक सड़क किनारे खड़े ट्रक को देखकर वाहन धीमा किया और साइड से ओवरटेक करते हुए आगे जाने ही बढ़े थे, लेकिन तभी मुरम लेकर पीछे से आ रहे हाईवा ने रॉन्ग साइड से ओवरटेक किया और सड़क किनारे ट्रक से जा टकराया, जिससे वह भी सड़क पर चला गया और पीछे आ रहा ट्रक हाईवा से टकरा गया। हादसे में ट्रकों के चालक और सहयोगी मामूली रूप से घायल हुए हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच भी शुरू कर दी है। भैया, कि भीषण सड़क हादसा हुआ हाईवे पर, कहां हुआ है, कैसे हुआ? ये नेशनल हाईवे में अंधमुख बाईपास के पास हुआ है। जरिए वाले सेट के द्वारा सूचना मिली कि अंधमुख बाईपास के पास नेशनल हाईवे में तीन गाड़ियों का आपस में टकरा गई हैं। उसकी सूचना पर हम लोग मौके पर पहुँचे और सबसे पहले तो हमने उसके एक व्यक्ति जो घायल था उसको मेडिकल रवाना किया एम्बुलेंस में, और बाकी NS7 की जो क्रेन है उसके द्वारा हम गाड़ियों को किनारे कर रहे हैं। दोनों तरफ लंबा जाम लगा हुआ है, कब तक खुल पाएगा ये? बस थोड़ी देर में खुलने वाला है जाम, काफी काम चल रहा है। ये नेशनल हाईवे के लड़के आ गए हैं, काम चल रहा है। तीनों गाड़ियों में कौन कौन सवार थे, कहां से कहां जा रही थी गाड़ियां? एक गाड़ी में महाराष्ट्र से आ रही थी एक गाड़ी, और एक गाड़ी जबलपुर की है लोकल, और एक हाईवे है जिसमें मुरुम लदा हुआ था। आपका नाम? अशोक यादव। अशोक यादव।